हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं आ गई हूँ मकाऊ और यहाँ से आज हम अपना साइट सीन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस हांगकांग के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक इट आउट, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो रात को एक्चुअली हम लोग गए थे कसिनो और गैलेक्सी कसिनो। तो फुटफॉल उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन कसिनो बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर इंटीरियर था अंदर से। अनफॉर्चुनेटली मैं कैमरा नहीं लेके गई थी क्योंकि रात को कभी कभी और वैसे भी कसिनो में वीडियो अलाउड नहीं होता, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो कल मैं सिर्फ देखने गई थी, बट आज जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करूँगी। ऑफकोर्स कसिनो के अंदर नहीं लेकिन बाहर बाहर से आपको दिखाऊंगी कि मकाओ कितना सुंदर है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे चाइनीज़ के साथ साथ पोर्चुगीज़ में भी जितने साइन बोर्ड हैं उनमें पोर्चुगीज़ लिखी हुई है क्योंकि मकाओ पोर्चुगीज़ कॉलोनी रह चुका है। तो चलिए चलते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो हम लोग रह रहे हैं एयरपोर्ट होटल में और ये जस्ट एयरपोर्ट के सामने ही है, राइट ऑपोजिट। तो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से फ्री शटल लेने के लिए। तो बहुत सारे कसिनो होटल्स हैं जो अपनी फ्री शटल चलाते हैं फेरी टर्मिनल से भी और एयरपोर्ट से भी। तो अब हम वहीं जा रहे हैं फ्री शटल बस टर्मिनल की तरफ। अदरवाइज़ यहाँ से मेट्रो और पब्लिक बसेस का तो ऑप्शन है ही, साथ ही में आप यहाँ से कैब भी ले सकते हैं, लेकिन जब फ्री शटल अवेलेबल है तो उसका यूज़ क्यों ना किया जाए। और यहाँ पे एक दो शटल खड़ी भी है। तो ये जो है ये वेनिटियन जो कसिनो है उसके लिए है, कोटाई स्ट्रिप। तो ये हम जिस एरिया में रह रहे हैं ये है कोटाई। तो जो आगे ग्रीन कलर की जा रही है गाइस वो है ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस रिजॉर्ट की शटल बस और जो ये जा रही है ये है गैलेक्सी की। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एयरपोर्ट से ज़्यादा शटल्स अवेलेबल हैं फेरी टर्मिनल में। तो क्योंकि फेरी अर्ली मॉर्निंग लोग आते हैं हांगकांग से, डे ट्रिप भी करते हैं और लेट नाइट चले जाते हैं, तो इस वजह से भी वहाँ से ज़्यादा शटल अवेलेबल हैं। यहाँ पे हर एक होटल से इनके रिप्रेजेंटेटिव भी खड़े हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं ये सामने कैप लगा करके, आप देख सकते हैं मास्क के साथ। तो इन्होंने हमें ये दिया है बट सब कुछ चाइनीज़ में, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है हमारी शटल जो हमें लेनी है। आई डोंट नो हमने उनको कितना समझाया और उनको कितना समझ में आया, देखते हैं अब वहीं जा कर के कि हम कहाँ पहुँचते हैं। हम लोग पहुंच गए सिटी सेंटर और मेरे पीछे अब जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये है ग्रैंड लिस्बोआ। तो ये जो है ये है होटल और इस तरफ है ग्रैंड लिस्बोआ कसिनो और बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, मैं आपको एक बार फ्रंट से भी दिखाती हूँ। तो ये है ग्रैंड लिस्बोआ होटल, देख सकते हैं आप कितनी सुंदर बिल्डिंग है इसकी। और ये अंदर से ही कनेक्टेड है इस फुटओवर ब्रिज के थ्रू। तो ये है ग्रैंड लिस्बोआ का कसिनो और कितना सुंदर लग रहा है गाइस देखिए। ये है ग्रैंड लिस्बोआ के होटल की लॉबी और एक से बढ़कर एक मास्टरपीस रखे हुए हैं इन्होंने यहाँ पे, बहुत सुंदर लॉबी है। ये होटल ही बहुत सुंदर है, कसिनो का अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अंदर से दिखा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे वीडियो या फिर फोटो अलाउ नहीं होती।
हमें ये रिक्शा मिला है जो कि हमें ये पूरा सेंट्रल का टूर करवा देंगे और हम इसके लिए पे करेंगे 250 और एक घंटे का पूरा अंकल हमें टूर करवाएंगे, ये सारी जगह दिखाएंगे। ओके अंकल। तो गाइज ये जो सामने दिख रहा है ये भी कैसीनो है विन। अब गाइज हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं मकाऊ टावर के सामने। अगर आप लोग बंजी जंपिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप यहां से बंजी जंपिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो तो टिकट्स लेकर के मकाऊ टावर के ऊपर तक भी जा सकते हो। ऑब्जर्वेशन डेक है, वहां से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिख जाएगा मकाऊ का। तो ये है गाइज पोर्चुगीज हाउस और यहाँ पे बड़ा वियर्ड और इंटरेस्टिंग दोनों मैं कह सकती हूँ ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना का फ्लैग है वो है टॉप में मिडिल में और साइड में थोड़ा सा नीचे है उसके मकाऊ का फ्लैग। अंकल कहाँ बंजी जंपिंग, देखो बंजी जंपिंग हो रही है गाइज, अगर आपको दिख रहा होगा तो उसमें हल्का सा छोटा सा आपको दिखेगा। तो गाइज आपको जो वो सामने स्काईस्कैपर्स दिख रहे हैं वो है ताइपा आइलैंड, मकाऊ में ही है वो भी, जहाँ पे हम लोग भी रह रहे हैं। हम लोग ताइपा में रह रहे हैं, ताइपा कोटाए वो सारा एरिया उस तरफ है उस आइलैंड में। ये जो आपको दिख रहा है ये है चाइना, अंकल बता रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर है और इस तरफ है ये चाइना। तो अच्छा किया हमने ये रिक्शा टूर ले लिया, क्योंकि हम ऐसी ऐसी गलियों से जा रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं लेते ये टूर तो हम सिर्फ मेन मेन अट्रैक्शंस तक ही जाते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते या फिर कैब लेते या फिर वॉक करके, नियर बाई हैं सारे डिस्टेंस तो ऐसे करते, लेकिन इन छोटी छोटी गलियों से और जो इनके लोकल रास्ते हैं जहाँ से ये लोग डेली कम्यूट करते हैं हम शायद यहाँ पर नहीं आते। तो अच्छा लगा हमने, ये स्मार्ट डिसीज़न था हमारा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 14th सेंचुरी में बना हुआ चाइनीज़ गॉडेस मत्सु का टेंपल है और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। टेम्पल फेमस है अपने मार्वलस चाइनीज आर्किटेक्चर के लिए, तो अगर आप लोग भी मकाऊ आ रहे हैं तो इस टेम्पल को अपनी आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। तो पहले मुझे लगा था कि ये टेम्पल छोटा सा ही है, बट गाइज ये काफ़ी बड़ा टेम्पल है और ऊपर तक आप देख सकते हैं स्टेयर्स जा रही हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी दिख रहे हैं चाइनीज़। हम गाइज अभी हैं मकाऊ सेंटर में और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ये जो ओल्ड स्ट्रीट्स हैं इनमें इंडिविजुअल शॉपिंग ब्रांड्स के आउटलेट दिख जाएंगे, यहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे चाइनीज़ मेडिसिन, कुछ नया ट्राई करना हो तो खाने पीने के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं।
ओके अंकल, थैंक यू, थैंक यू अंकल, बाय बाय, बाय बाय। तो गाइस, इस पूरी स्ट्रीट में आपको पोर्क जर्की और बीफ जर्की देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। हेलो, इस शॉप में भी देखो जैसे कि रखा हुआ है पोर्क जर्की और बीफ जर्की। नो नो, थैंक यू थैंक यू। अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं तो पोर्चुगीज स्टाइल एग टार्ट ज़रूर खाइएगा, ये बहुत फेमस है यहाँ का। तो ले लिया मैंने, $10 का है एक पीस। तो ये गाइस मकाऊ कुकी, वेरी डिलीशियस, थैंक यू। तो गाइज़, अब हम लोग जा रहे हैं इनके मेन स्क्वायर की तरफ, पर ये जो रास्ता है ट्विन सेंट पॉल की तरफ से लेकर के उस स्क्वायर तक का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पहुंच गए हम लोग सिनाडो स्क्वायर, मेरे सामने ही है, और यहाँ पे आप पोर्चुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर देख सकते हैं। और दोनों तरफ यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रांड स्टोर हैं, साथ ही में यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज़ हैं। सामने ये मेरे फाउंटेन। आई होप गाइज आपने मेरा आज का वीडियो इंजॉय किया होगा। मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी मकाऊ के अमेजिंग कैसिनोज में। टिल देन, बाय बाय।